हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाले हैं हमारी ए टू जेड इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का ई अल्फाबेट का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम नियरली 62-63 वोकैब्स हैं जो कि हम ट्रिक्स के साथ में आपको पढ़ाएंगे और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में। तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो वर्ड है, जो पहला जो वोकैब है ई अल्फाबेट का, वो है एब, ई डबल बी एब। दो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, एक एब होता है, एक टाइड होता है। तो एक पानी ऊपर की तरफ जाता है और एक पानी जब वापस लौट के आता है, जब लौट के आता है तब अपन उसको बोलते हैं एब, ई डबल बी उतार। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सी फ्लोज अवे फ्रॉम द लैंड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हाई एब एंड टाइड ड्यूरिंग द मॉनसून। तो मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, पानी बहुत तेजी से लैंड की तरफ जाता है और उतरता भी बहुत तेजी से है। तो जब उतरता है उसको बोलते हैं एब। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, ईबे की फैक्ट्री एब में गायब हो गई। देखिए, ईबे बहुत ही बड़ी एक कंपनी है मल्टीनेशनल, और ईबे की फैक्ट्री लगी हुई है। अगर ये आप जूम कर लें, अगर अपने ईबे की फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे और पानी यहाँ पे आ रहा है, तो पानी क्या कर गया, हाई अगर एब है तो पानी इस फैक्ट्री को नीचे ले गया वापस से। तो ईबे की फैक्ट्री एब में गायब हो गई। ईबे एब एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, जब भी एब वर्ड आएगा तो आप ईबे से उसको याद कर लेंगे आराम से। तो ईबे की फैक्ट्री एब में गायब हो गई, ईबे एब, एब मतलब उतार। नेक्स्ट वर्ड है आपका इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब होता है हरा भरा या उत्साह युक्त, फुल ऑफ चीयरफुलनेस और एंथुसियाज्म। फॉर एग्जांपल द पीएम वाज इन इबुलियंट माइंड, ये और इबुलियंट मूड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, बुल को मारने वाली बुल आंटी एबुलियंट है। देखिए, एबुलियंट यानी कि बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही उत्साह युक्त। तो ये आंटी जो है, तो इन्होंने बुल को मारा है, तो बुल को मारने वाली आंटी कैसी है, इबुलियंट है। देखिए, बुल आ रहा है इसके अंदर, वर्ड के अंदर बुल आ रहा है इसके अंदर, तो इबुलियंट आंट भी आ रहा है, आंटी वाला आंट भी आ रहा है और बुल भी आ रहा है। तो बुल को मारने वाली आंटी कैसी है, इबुलियंट है। तो इबुलियंट का मतलब हुआ फुल ऑफ चीयरफुलनेस और एंथुसियाज्म। अगला वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है या फिर जिसको जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है, उसको बोलते हैं अपन इसेंट्रिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए इसेंट्रिक कैरेक्टर हु लाइक्स वेयरिंग ए बैरेट एंड डार्क ग्लासेस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जिनका दिमाग एक सेंटर पर नहीं, वो कैसे लोग हैं, इसेंट्रिक लोग हैं। जिनका दिमाग, जैसे नॉर्मल जो दिमाग है, जिनका दिमाग एक सेंटर में नहीं है, तो वो कैसे लोग हैं, इसेंट्रिक लोग हैं। सेंटर, इसेंटर, देखिए एक जैसे वर्ड है सेंटर और इसेंटर। तो जिनका दिमाग एक सेंटर में नहीं है, वो इसेंट्रिक लोग हैं, यानी कि सनकी लोग हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है इसिलैक्टिक। इसिलैक्टिक का मतलब होता है चयनशील, विभिन्न स्रोतों वाला। देर आर दैट आर इलेक्ट्रिक कम्बाइन दैट एवर सीम्स द बेस्ट और मोस्ट यूजफुल थिंग फ्रॉम मेनी डिफरेंट एरियाज और सिस्टम रेदर देन फॉलोइंग ए सिंगल सिस्टम। तो किसी एक सिस्टम को छोड़ के कई सारे सिस्टम को अपना के उनमें से बेस्ट चीज निकालने को बोलते हैं इसिलैक्टिक। जैसे कि अगर एक कोई कचरे वाला होता है तो 10 कचरों में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता है, ओके, तो उसको बोलते हैं चयनशील। तो वो क्या होता है, इसेलेक्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसेलेक्टिक कलेक्शन ऑफ द पेंटिंग ड्राइंग एंड प्रिंट एंड प्रिंट्स एंड इसेलेक्टिक स्टाइल अप्रोच। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, एक एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं कौन, इसेलेक्टिक सिस्टम में। देखिए, एक एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं इसेलेक्टिक में, इसेलेक्टिक सेलेक्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, एक एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं इसेलेक्टिक में, ओके, सेलेक्ट लैक एक जैसे वर्ड्स हैं, सेलेक्ट और लैक। तो एक एक चीज को जो सेलेक्ट करके एक कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इसिलैक्टिक, चयनशील। अगला वर्ड है इसिटेंसी। इसिटेंसी का मंगल, परामंद, उत्साह, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस स्पेशली वन फीलिंग प्लेजर। फॉर एग्जांपल शी थ्रो हर हेड बैक एज इफ इन इसिटेंसी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हंसी आती है इसिटेंसी में, एक्स्ट्रा हंसी आती है इसिटेंसी में। तो एक्स्ट्रा हंसी आती है, देखिए बच्चा है, नॉर्मली तो जैसे हंसता है वैसे सभी बच्चे हंसते हैं, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा हंसी है इसकी। तो जब एक्स्ट्रा हंसी आती है तो आप यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा आपको उत्साह है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा हंसी आती है इसी टेंसी में, इसी टेंसी एक्स्ट्रा हंसी एक जैसे वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा हंसी इसी टेंसी। तो एक्स्ट्रा हंसी आती है किसमें, इसी टेंसी में, इसी टेंसी यानी कि हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ईडी, ईडी का मतलब है भंवर, इफ वाटर, विंड, स्मोक एक्सेट्रा, ईडीज, इट मूव फास्ट इन ए सर्कल, इन ए सर्कल। तो कोई भी चीज़ जो बहुत तेज सर्कल में घूमती है उसको बोलते हैं भंवर, यानी कि ईडी। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ईडीटेड अराउंड द वर्लपूल। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डैडी ने थप्पड़ मारा तो ईडी हो गया, डैडी ईडी एक जैसे वर्ड्स है। अगर डैडी ने थप्पड़ मारा, ये बच्चे को थप्पड़ मारते, बच्चा गोल घूम जाएगा थप्पड़ खाते, ओके, ये जैसे गोल घूमेगा तो ये किस में घूम रहा है, ईडी में घूम रहा है। तो डैडी ने थप्पड़ मारा तो ईडी हो गया, डैडी ईडी एक जैसे वर्ड्स है, इजीली याद हो सकते हैं, डैडी ने थप्पड़ मारा तो ईडी हो गया, ईडी यानी कि भंवर।
इडिक्ट, इडिक्ट क्या होता है कि एन ऑफिशियल ऑर्डर, आज्ञा पत्र, राजा का जो आज्ञा पत्र है वो ऑफिशियल ऑर्डर, स्पेशली वन विच इज गिवन इन अ फोर्सफुल एंड अनफेयर वे. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट शॉप्स आर इग्नोरिंग द गवर्नमेंट्स इडिक्ट अगेंस्ट संडे ट्रेडिंग. उसको आपके यहाँ तरीका देखिए, डिक्टेटर आपको इडिक्ट देता है, लेकिन डिक्टेटर और इडिक्ट एक जैसे वर्ड्स, डिक डिक डी आई सी और इसमें भी डी आई सी. तो डिक्टेटर आपको इडिक्ट देता है, ये देखिए डिक्टेटर है और ये आपको इडिक्ट देता है और इसके बाद माननी ही पड़ेगी आपको. तो इडिक्ट यानी कि एन ऑफिशियल ऑर्डर जिसको मानना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर वो फोर्सफुल तरीके से आया है या फिर अनफेयर तरीके से आया है, और कैसे भी मनाए लेकिन उसको मनाना पड़ेगा. तो डिक्टेटर आपको क्या देता है, इडिक्ट देता है. इडिक्ट यानी कि एन ऑफिशियल ऑर्डर. ईडीफाई, ईडीफाई आध्यात्मिक उपदेश देना, इंप्रूवमेंट ऑफ द माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशली बाय लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, इन द 18th सेंचुरी आर्ट वॉज सीन अलॉन्ग विद म्यूजिक एंड पोएट्री एज समथिंग ईडिफाइंग. हम याद करने का तरीका देखेंगे, हमने वो कैब मॉडिफाई किया आपको ईडिफाई करने के लिए. हमने वो कैब, जो भी हम आपको क्या कर रहे हैं, वो कैब दे रहे हैं, वो कैब को मॉडिफाई कर रहे हैं किसके लिए, आपको ईडिफाई करने के लिए. ईडिफाई यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके माइंड की, आपको इसको लर्न करने के लिए. तो उसी को बोलते हैं ईडिफाई करना. आपको वो कैब मॉडिफाई किया किसके लिए, ईडिफाई के लिए. ईडिफाई का मतलब हुआ आध्यात्मिक उपदेश देना, द अंडरस्टैंडिंग, द इंप्रूवमेंट ऑफ द माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशली बाय लर्निंग. तो वो कैब मॉडिफाई, ईडिफाई एक जैसे वर्ड्स हैं. एरी, एरी का मतलब है डरावनी आवाज, स्ट्रेंज इन ए फ्रेटनिंग एंड मिस्टीरियस वे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक डाउन द एरी डार्क पाथ. अब इसका तरीका देखिए, जंगल में आपने सुना अरे अरे रुको ये एरी था, जंगल में आपने सुना अरे रुको ये एरी था. तो जंगल में अगर आप जा रहे हैं बहुत सुनसान और कोई आपको अरे करके बुलाता है, अरे रुको, तो ये अरे क्या है, एरी है. अरे क्या है, एरी है. एरी का यानी कि डरावनी आवाज़ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है और बिल्कुल सुनसान है. तो जंगल में अगर आपको कोई अरे रुको ऐसे कोई बोलता है, अरे रुको, तो अरे क्या है, ये एरी है, ये डरावनी आवाज़ है. तो इसको बोलते हैं डरावनी आवाज़, एरी. इफेस, इफेस का मतलब मिटा देना, निकाल देना, काट देना. टू रिमूव समथिंग इंटेंशनली. फॉर एग्जाम्पल, एन इवेंट दैट हैज हेल्प इफेस द कंट्रीज ट्रेडिशनल इमेज. अब इसको याद करना तरीका देखेंगे, इस फेस को दुनिया से इफेस करना होगा. देखिए, ये जो फेस है इसको देखते ही आप बता सकते हो ऐसा डार्क है तो ये किसका है, टेररिस्ट का, टेररिस्ट का फेस है. अब इस फेस को दुनिया से हमको क्या करना पड़ेगा, इफेस करना है इसको, यानी कि मिटा देना है इसको. ओके, तो इस फेस, फेस और इफेस, फेस के आगे अगर ई एफ और लग गया तो ये क्या है, इफेस, इसका मतलब है मिटा देना किसी चीज़ को. इफिमिनेट, इफिमिनेट यानी कि नारी जैसा, लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक ए वुमन और ए गर्ल. फॉर एग्जाम्पल, करण जो है बिहेव लाइक ए इफिमिनेट समटाइम्स. अब इसको याद करने का तरीका देखिए, लड़के फेमिना मैगजीन पढ़ के इफिमिनेट होता है. लड़के क्या करते हैं, फेमिना मैगजीन अगर पढ़ेंगे, देखिए ये फेमिना मैगजीन ज़्यादातर इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो गर्ल्स है. अगर इसको बॉयज़ पढ़ रहे हैं तो यानी कि वो गर्ल्स में ओवर उसमें वो है, इन्वॉल्व है. तो यानी कि पढ़ के क्या होते हैं, इफिमिनेट होते हैं. ये सिर्फ आपके लिए याद करने के लिए, वैसे ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है, कोई जो पढ़ रहा है पढ़ने से कोई चीज़ें नहीं चेंज होती है. लेकिन अगर अपन याद करने के अपन तरीके से इसको देख रहे हैं, लड़के फेमिना मैगजीन पढ़ के इफिमिनेट होता है. फेमिना, इफिमिनेट एक जैसे वर्ड्स हैं, फेमिना और इफिमिनेट, फेमिना मैगजीन एंड इफिमिनेट. अगला है इफरवेशेंट. इफरवेशेंट का मतलब होता है चमकता हुआ. एंड इफरवेशेंट लिक्विड इज वन दैट कंटेन्स और रिलीज बबल्स ऑफ गैस. सिनोनिम्स इसके एंटरटेनिंग एंड एंथुसियास्टिक. फॉर एग्जाम्पल, दिस मशीन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इफरवेशेंट. अब इसका आते हैं तरीका देखिए, वास में पानी है जो इफरवेशेंट है. देखिए, वास में, वास और इफरवास, इफरवेस एक जैसे वर्ड्स हैं. वास इसमें भी आ रहा है और वास इसमें भी आ रहा है. तो वास में पानी है जो इफरवेशेंट है. इफरवेशेंट यानी कि चमकता हुआ, जिसके अंदर बबल उठ रहे हैं बहुत सारे इस पानी के अंदर, देखिए. ओके, तो वास में पानी है जो इफरवेशेंट है. इफरवेशेंट यानी कि चमकता हुआ. इफेट, अगला वर्ड है इफेट. अयोग्य, दुर्बल, निर्बल, विदाउट द पावर दैट इट वंस हैड. फॉर एग्जाम्पल, द चार्मिंग बट इफेट रशियन गैंट्री ऑफ द 1840 एंड 1850. अब याद करने का तरीका देखिए, पाकिस्तान को डिफीट करके इफेट किया, पाकिस्तान को हमने डिफीट किया था. फोटो में आप देख सकते हैं, ये इंडिया जो बांग्लादेश बना था वो वाली वॉर की फोटो है ये. ओके, 1975 वाली वॉर की फोटो है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था. तो ये क्या कर रहे हैं, अपन ने इनको हराया था, 90,000 सोल्जर्स इनके संडर किया था उस टाइम पे इन्होंने पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान को डिफीट करके हमने क्या किया, इफेट किया. इफेट क्या यानी कि दुर्बल किया, निर्बल किया. विदाउट द पावर दैट इज वंस हैड. तो डिफीट और इफीट एक जैसे वर्ड्स हैं, डिफीट एंड इफीट. तो डिफीट का मतलब है हराना और इफीट का मतलब है किसी को दुर्बल करना. इफिकेसी, इफिकेसी गुण, प्रभाव, स्पेशली ऑफ मेडिसिन और मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंटेड रिजल्ट. सिनोनिम्स इफेक्टिवनेस.
फॉर एग्जाम्पल द रिसेंटली रन ए सीरीज ऑफ टेस्ट टू मेजर द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। इफिशेंसी इज इफिकेसी। देखिए इफिशेंसी अगर किसी में बहुत है तो वो क्या है, उसका इफिकेसी है। देखिए इस आदमी को देखिए, इसके एक ही साथ ही कई सारे काम कर रहा है, तो ये क्या है, इसकी इफिशेंसी है और साथ में इसकी इफिकेसी भी है। इफिकेसी यानी कि इसका गुण भी है कि ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो किसी भी चीज़ की जो जो उसका प्रभाव है, उसका जो गुण है, उसको बोलते हैं अपन इफिकेसी। अगला वर्ड है इफ्लुवियम। इफ्लुवियम यानी कि दुर्गंध। ए फॉल स्मेलिंग आउट फ्लो और वेपर। एग्जाम्पल देयर वॉज ए इफ्लुवियम ऑल अराउंड द रोड। अब देखिए इसका आत्मा तरीका, आई फ्लू की दया से दवा से इफ्लुवियम निकलता है। आई फ्लू की दवा, आई फ्लू की दवा से इफ्लुवियम निकलता है। आई फ्लू इफ्लू, देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। आई फ्लू की दवा से क्या निकलता है, इफ्लू निकलता है, इफ्लुवियम निकलता है। तो आई फ्लू और इफ्लुवियम एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इजीली याद कर सकते हैं। तो आई फ्लू की दवा से दुर्गंध निकलती है यानी कि इफ्लुवियम निकलता है। अगला वर्ड है इफ्रॉन्ट्री। इफ्रॉन्ट्री का मतलब है अहंकारी या फिर घमंडी। एक्सट्रीम रूडनेस एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट योर बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर पीपल। एग्जाम्पल ही वॉज साइलेंट ऑल अराउंड द मील एंड देन हैड द इफ्रॉन्ट्री टू कंप्लेन दैट आई लुक्ड बोर्ड। याद करने का तरीका देखिए, फ्रंट पे तेरे पंच मारते हैं, ये इफ्रॉन्ट्री है। अगर कोई फ्रंट में पंच मारता है तो ये क्या है, ये मारते हैं, ये कौन है, इफ्रॉन्ट्री है। इफ्रॉन्ट्री यानी कि बहुत ही अहंकारी है। अगर किसी बॉक्सिंग मैच में फ्रंट में किक मारे, जो बॉक्सिंग मारना अलाउ नहीं है मान लीजिए एक बात, और अगर कोई सामने ही मारता है आपके, तो ये क्या है, इफ्रॉन्ट्री है, यानी कि वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। फ्रंट में तेरे पंच मारते हैं, फ्रंट देखिए इफ्रॉन्ट इसके सामने आ रहा है, वर्ड आ रहा है, फ्रंट इसमें आ रहा है, इसके अंदर इफ्रॉन्ट में, तो इफ्रॉन्ट्री है। तो फ्रंट पे तेरे पंच मारते हैं, ये क्या है, इफ्रॉन्ट्री है, यानी कि घमंडी या फिर अहंकारी है। अगला वर्ड है इफ्लुगेंट। इफ्लुगेंट का मतलब प्रकाश डालना या फिर चमकता हुआ। शाइनिंग ब्राइटिंग ब्रिलियंट रेडिएटिंग और इफ रेडिएटिंग लाइट। फॉर एग्जाम्पल द इफ्लुगेंट डैफोडिल्स। अब याद करने का तरीका देखिए, फूल के साथ जायंट का फेस कैसा है, इफ्लुगेंट है। फूल के साथ जायंट का फेस कैसा है, इफ्लुगेंट है। तो फूल और जायंट दोनों आ रहे हैं इफ्लुगेंट में, फूल और जायंट दोनों आ रहे हैं तो किसमें, इफ्लुगेंट में। ओके, तो फूल के साथ जायंट का फेस कैसा है, इफ्लुगेंट यानी कि चमकता हुआ, ब्राइटली रेडिएटिंग एज इफ रेडिएटिंग लाइट। ओके, तो फूल के साथ जायंट का फेस इफ्लुगेंट, इफ्लुगेंट यानी कि प्रकाश का। अगला वर्ड है इफ्यूजन। इफ्यूजन यानी कि बहना, निकल पड़ना। इफ समवन एक्सप्रेसेस देयर इमोशन और आइडियाज विद इफ्यूजन, दे एक्सप्रेस देम विद मोर एंथुसियाज्म एंड फॉर लॉन्गर टाइम इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। आई डिड नॉट एम्ब्रेस हर विद माय इफ्यूजन। इफ्यूजन यानी कि कोई भी इमोशनल चीजें हैं, आंसू आना या कोई भी चीज़ को बह निकलना, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। अब इसको याद करने का तरीका देखेंगे, सन के फैशन में एनर्जी इफ्यूजन होता है। देखिए सन के फैशन में एनर्जी कैसा होता है, इफ्यूजन होता है। तो फैशन भी आ रहा है और फैशन भी आ रहा है और सन भी आ रहा है, इफ्यूजन। तो सन के फैशन में एनर्जी इफ्यूजन होता है। तो सन का जो फैशन, जो सन के जो फैशन है उसमें एनर्जी कैसी है, इफ्यूजन होती है यानी कि निकलती है, बह निकलती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सन के फैशन में एनर्जी इफ्यूजन होता है, फैशन इफ्यूजन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं, फैशन और इफ्यूजन। अगला वर्ड है इग्रीगियोस। इग्रीगियोस यानी कि निंदनीय है। ऑफन ऑफ मिस्टेक्स एक्सट्रीमली एंड नोटिसेबली। तो कोई भी चीज़ जो कि मिस्टेक से भरपूर हो उसको बोलते हैं एग्रीगियस। एग्रीगियस द मोस्ट एग्रीगियस अब्यूसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसको आप अपना तरीका देखिए, एग खा के रिलीजियस जगह में जाना कैसा है, एग्रीगियस मिस्टेक है। एग अगर आपने खा के किसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हो तो कैसा मिस्टेक है, एग्रीगियस मिस्टेक है, यानी कि बहुत ही नोटिसेबल मिस्टेक्स है, एक्सट्रीम मिस्टेक्स है। ओके, तो एग खा के रिलीजियस जगह में जाना, देखिए दोनों वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, एग भी आ रहा है और रिलीजियस में एग्रीगेशियस भी आ रहा है, एग्रीगियोस के अंदर। एग्रीगियोस में एग और रिलीजन दोनों है इसके अंदर, तो एग खा के रिलीजियस जगह में जाना एग्रीगियोस मिस्टेक है। एग्रीगियोस यानी कि ऑफन ऑफ मिस्टेक्स एक्सट्रीमली एंड नोटिसेबल। अगला है एग्रेस। एग्रेस यानी कि निकलना या फिर उभरना। द एक्ट ऑफ कमिंग और गोइंग आउट इमरजेंस द लाइट टू लीक और गो आउट। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू लीकेज देर वॉज अ हाई एग्रेस ऑफ वाटर। एग ओके, अब एग खा के रेस में गया और नया चैंपियन का इमरजेंस हुआ। अब देखिए इग्रेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ का इमरजेंस होना, कोई भी चीज़ बाहर निकलना, टू लीव आउट और गो आउट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ड्यू टू द लीकेज देर वाज अ हाई एग्रेस ऑफ वाटर, तो पानी एकदम से निकला है उसके अंदर लीकेज की वजह से। अब याद करने का तरीका देखेंगे तो एग अगर खा के एग्रेस, देखिए एग और रेस दो वर्ड है इसके अंदर, एग और रेस। तो अगर एग खा के रेस में गया, एग और रेस ये वर्ड बन गया यहाँ पे, एग खा के रेस में गया तो आप क्या बन गया, नए चैंपियन का इमरजेंस हुआ, यानी कि नए चैंपियन का
एक रेस हुआ, है खा के रेस में गया तो एक रेस हुआ, यानी कि उभरता हुआ एक नया चैंपियन निकला। एग खाने से पावर मिली, पावर खाने आने से चैंपियन बना, तो एग खा के रेस में गया तो क्या हुआ, एक रेस हुआ। एम्बार्गो, एम्बार्गो क्या मतलब है, रोकना। एन ऑर्डर टू टेम्परली स्टॉप समथिंग स्पेशली ट्रेडिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल देर वॉज प्लानिंग टू एम्बार्गो ऑयल इम्पोर्ट्स। अब इसको आते हैं तरीका, देखिए कार्गो के बाहर, गोवा में एम्बार्गो, देखिए कार्गो, कार्गो अपना आता है ये, कार्गो के बाहर क्या है, गोवा में क्या हुआ, एम्बार्गो हुआ। इसको आप उल्टा कर सकते हैं, गोवा में, गोवा के बाहर कार्गो को एम्बार्गो किया, गोवा के बाहर कार्गो को एम्बार्गो किया, यानी कि गोवा के बाहर जाते कार्गो जो जा रहा था उसको क्या किया, एम्बार्गो किया, यानी कि रोक लिया गया। ओके, एक ऑफिशियल ऑर्डर आया जिससे उसको रोक लिया गया। दे आर प्लानिंग टू एम्बार्गो ऑयल इम्पोर्ट्स, ये एग्जाम्पल था। तो गोवा एम्बार्गो और गोवा और कार्गो, गोवा कार्गो एम्बार्गो, तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो एम्बार्गो, तो गोवा के बाहर कार्गो को एम्बार्गो किया यानी कि रोक लिया। एम्बार्क, अगला वर्ड है एम्बार्क, एम्बार्क है जहाज पर चढ़ना। टू गो अब्रॉड अ वेसल और टू गो अब्रॉड अ वेसल और एयरक्राफ्ट एज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना जहाज के ऊपर, उसको बोलते हैं एम्बार्क करना। द गवर्नमेंट एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन रिफॉर्म। कुत्ता, देखिए याद करने का तरीका, कुत्ता बार्क करके पीछे आ गया तो आप डर के शिप में एम्बार्क किया, और कुत्ता बार्क कर रहा है यानी कि भौंक रहा है और आप डर के क्या करेंगे, शिप पे एम्बार्क कर लेंगे, एम्बार्क यानी कि चढ़ना हो गया। तो बार्क और दोनों में देखिए बार्क आ रहा है, कुत्ता ने बार्क किया तो आपने एम्बार्क किया, तो एम्बार्क यानी कि किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, कुत्ते ने बार्क किया और आपने एम्बार्क किया, एम्बार्क यानी जहाज पे चढ़ना। अगला है एम्बेलिश, एम्बेलिश यानी कि सजना संवरना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, हिज अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रैवल वॉज एम्बेलिश विद डिटेल्स ऑफ द फेमस पीपल ही फेमस पीपल ही मेट। अब याद करने का तरीका देखिए, बैल को एम्बेलिश किया, देखिए बैल इसके अंदर आ रहा है बीच में, तो बैल को मैंने क्या किया, एम्बेलिश किया यानी सजा दिया उसको, तो बैल को एम्बेलिश किया यानी कि बैल को सजा दिया। तो दोनों में हमें देखिए बैल और एम्बेल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं। एम्बेजल, अपहरण करना, गबन करना। टू सिक्रेटली टेक मनी दैट इज इन योर केयर और दैट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यू वर्क फॉर। तो किसी की भी पैसे का गबन करना, अपहरण करना, उसको बोलते हैं एम्बेजल। वन फॉर्मर डायरेक्टर एम्बेजल $34 million इन कंपनी फंड्स। अब याद करने का तरीका देखिए, बिजली वाले बिजली को एम्बेजल करते हैं, सभी को बताया बिजली वाले, बिजली चोरी जो होती है उसमें बिजली वालों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो बिजली वाले बिजली का क्या करते हैं, एम्बेजल करते हैं। तो बिजली वाले बिजली को एम्बेजल करते हैं, बिजली बेजल एक जैसे वर्ड्स हैं, बिजली और बेजल। तो एम्बेजल का मतलब हुआ गबन करना या फिर अपहरण करना। एम्ब्रोज, बेल बूटा काटना। टू डेकोरेट एन ऑब्जेक्ट स्पेशली विथ लेटर्स यूजिंग स्पेशल टूल्स विथ मेक ए ड्रेस मार्क ऑन इज सरफेस। तो आपने कई बार नेम प्लेट देखी होगी, उसके ऊपर नाम ऊपर से कुधरा हुआ होता है, उसके ऊपर निकला हुआ होता है, तो उस नाम जो उसको बोलते हैं एम्ब्रोज करना। फॉर एग्जाम्पल शी बैंडेड मी ए बिजनेस कार्ड विथ हर नेम नीटली एम्ब्रोज ऑन इट। तो नीटली उसका नाम जो था वो कार्ड के ऊपर उभरा हुआ था। ऑफिस के बाहर बॉस का नाम एम्ब्रोज किया हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ऑफिस के बाहर बॉस का नाम क्या है, एम्ब्रोज है। ऑफिस के बाहर हमेशा जो बॉस का नाम होता है वो एम्ब्रोज होता है, वो यानी कि उसके ऊपर वो डेकोरेटेड होता है और उसके ऊपर उसके थोड़ा निकला हुआ होता है वो नाम सरफेस से, तो बॉस का नाम एम्ब्रोज, इजीली याद हो सकता है। एम्ब्रॉयल, उलझना, आपत्ति में डालना। टू कॉज समवन टू बिकेम इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड नेशन वॉज रिलक्टेंट टू गिव इट्स फोर्स एम्ब्रॉयल्ड इन सिविल वॉर। तो एम्ब्रॉयल यानी कि उलझना, आपत्ति में डालना। याद करने का तरीका देखेंगे, अम्ब्रेला के ऊपर ऑयल डाल के एम्ब्रॉयल किया, अगर अम्ब्रेला के ऊपर अपन ऑयल डाल दूँ तो इसको मैं क्या कर दूंगा, खराब कर दूंगा मैं इसको, ओके उलझ दूंगा, उलझ जाएगा ये, खराब हो जाएगा ये। तो अम्ब्रेला के ऊपर ऑयल डाल के एम्ब्रॉयल किया, तो एम्ब्रॉयल का मतलब हुआ उलझना, आपत्ति में डालना। अगला वर्ड है एम्ब्रॉयनिक, एम्ब्रॉयनिक यानी कि अपूर्ण दशा। इन एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द प्लान एज येट ओनली एग्जिस्ट इन एम्ब्रॉयनिक फॉर्म। तो एम्ब्रॉयनिक यानी कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग स्टेज में है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक। फॉर एग्जाम्पल द रोमानियन एम्ब्रॉयनिक डेमोक्रेसी, यानी कि रोमानिया की डेमोक्रेसी अभी अभी अर्ली स्टेज पे है। याद करने का तरीका देखिए, मेरा MBA करने का एक प्लान एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है, MBA एम्ब्रॉयनिक एक जैसे वर्ड्स हैं, मेरा MBA करने का प्लान कैसा है, एम्ब्रॉयनिक है। तो MBA एम्ब्रॉयनिक, मेरा MBA करने का प्लान एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, अभी वो प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, बस अर्ली स्टेज में है। इमेटिक, उल्टी कराने की औषधि है, सबसे स्पेशली मेडिसिन दैट कॉजेस वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग कराने के लिए जो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, अगर कोई पॉइजन ईट कर लेता है तो उसको बोलते हैं इमेटिक।
डॉक्टर्स गिव इमेटिक टू हिम बिकॉज ही एट अ पॉइजन। मिट्टी इमेटिक है, देखिए कितना आसान है, अब इसको याद करना है। मिट्टी कैसी है? इमेटिक है। मिट्टी इमेटिक एक जैसे वर्ड्स हैं, मिट्टी इमेटिक, तो इमेटिक का मतलब ऐसी औषधि जो कि उल्टी कराने के काम आए, तो मिट्टी इमेटिक। इमोलियंट, इमोलियंट यानी कि कम करने वाला। अ लिक्विड और अ क्रीम दैट इज यूज टू मेक द स्किन सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल इट इज बेनिफिशियल टू यूज इमोलियंट एट द नाइट। हेमा मालिनी आंटी रोज इमोलियंट लगाती है। हेमा मालिनी आंटी फोटो में देख सकते हैं, ये अभी तक काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो हेमा मालिनी आंटी रोज क्या लगाती है? इमोलियंट लगाती है। इमोलियंट यानी कि जो स्किन को सॉफ्ट रखे। तो हेमा मालिनी आंटी रोज इमोलियंट लगाती है। आंटी इमोलियंट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इजीली याद कर सकते हो आप, आंटी इमोलियंट। इमोलूमेंट, देखिए दो वर्ड्स में कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, इमोलियंट है, इमोलूमेंट है। जब एम ई एन टी आता है तो उसका मतलब हो जाता है वेतन। पेमेंट इन मनी और सम अदर फॉर्म दैट इज मेड फॉर वर्क दैट हैज़ बीन डन। तो कोई भी काम जो आपने किसी के लिए किया है उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिली है या वेतन मिला है, पैसे मिले हैं, उसको बोलते हैं इमोलूमेंट। एग्जाम्पल, वॉट इज़ योर इमोलूमेंट? हमें मालूम नहीं मैन का इमोलूमेंट। याद करना देखिए कितना आसान हो गया। हमें मालूम नहीं मैन का इमोलूमेंट, देखिए मैन आ रहा है यहाँ पे भी और इस वर्ड में भी आ रहा है, तो हमें मालूम नहीं मैन का कितना है, इमोलूमेंट कितना है यानी कि उसका वेतन कितना है। तो इमोलूमेंट का मतलब हुआ वेतन। इलैगी, इलैगी क्या है कि एक सैड पोएम और अ सॉन्ग स्पेशली रिमेम्बरिंग समवन हु हैज डाइड और समथिंग इन द पास्ट। शोक सूचक गीत, तो जो मर जाते हैं उसके बाद में जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं इलैगी। एग्जाम्पल, देर वॉज अ लाउड इलैगी नियर माई हाउस यस्टरडे। अब याद करने का तरीका देखिए, LG TV में इलैगी आता है, LG TV में इलैगी आता है, तो टीवी इलैगी एक जैसे वर्ड्स हैं, टीवी इलैगी। तो LG TV में क्या आता है? इलैगी आता है। इलैगी यानी कि शोक सूचक गीत। LG TV में इलैगी, इलैगी यानी कि शोक सूचक गीत है। सैड पोएम और सॉन्ग स्पेशली रिमेम्बरिंग समवन हु हैज डाइड और समथिंग इन द पास्ट। तो LG TV में इलैगी, इलैगी यानी कि शोक सूचक गीत। इलिसिट, इलिसिट का है निकलना, खींचना, प्रकट करना। टू गेट इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समबडी, ऑफन विद डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर नॉरिस सेड ही वॉज होपफुल दैट हिज रिक्वेस्ट वुड इलिसिट अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। याद करने का तरीका देखिए, LIC वाले IT यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को इलिसिट करते हैं। LIC वाले IT यूज़ करके, देखिए LIC वाले हमेशा क्या करते हैं, IT को यूज़ करते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, इलिसिट करते हैं। ओके, तो LIC, देखिए LIC इसके अंदर भी है, तब कभी भी इलिसिट आएगा और आपने LIC पर अगर आपका ध्यान आ गया इतना सभी, तो आपको मीनिंग पता लग जाएगा। तो LIC वाले IT यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को इलिसिट करते हैं, तो इलिसिट यानी कि निकालना। एलिक्सर, एक दवा, हील, सबसे यूजुअली लिक्विड विद मैजिकल पावर टू क्योर, इम्प्रूव और प्रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, इट गेट अनदर हेल्थ प्रोडक्ट क्लेमिंग टू बी द एलिक्सर ऑफ लाइफ यू। अब याद करने का तरीका देखिए, सिर्फ लग्जरी वाले लोग ले सकते हैं एलिक्सर, सिर्फ लग्जरी वाले लोग, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं ये प्रोडक्ट्स एलिक्सर, जो कि क्लेम करते हैं अपने आप को जिससे कुछ फ़ायदा पहुँचता है, तो सिर्फ लग्जरी वाले लोग ले सकते हैं कौन, एलिक्सर। लग्जरी एलिक्सर एक जैसे वर्ड्स हैं, इजीली याद कर सकते हैं जिससे आप। इलोक्यूएंट, इलोक्यूएंट का मतलब हुआ बड़ा बोलने वाला। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, स्पेशली वैन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड हिम मेक अ वेरी इलोक्यूएंट स्पीच एट दैट नियर। तो बहुत ही अच्छा बोलना, बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने को बोलते हैं इलोक्यूएंट। इतने लोगों को क्वाइंट पढ़ाने के लिए यू हैव टू इलोक्यूएंट। देखिए क्वांट, किसी को अगर आप क्वांट का मीनिंग समझा रहे हो तो इतने सारे लोग हैं स्टेडियम में, सबको बताने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा, इलोक्यूएंट होना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही बोलने वाला और पब्लिकली बहुत अच्छा बोलने वाला होना पड़ेगा। तो इतने लोगों को क्वांट पढ़ाने वाला यू हैव टू बी इलोक्यूएंट। इलोक्यूएंट यानी कि बड़ा बोलने वाला और अच्छा बोलने वाला। इलुसिडेट, स्पष्ट करना। टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर फुली, देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू इलुसिडेट। देखिए अगर इलुसिडेट का मतलब है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, डिटेल में बताना, स्पष्ट करने को बोलते हैं इलुसिडेट करना। इल्यू करके लड़की को डेट पर ले जाने के लिए आपको इलुसिडेट करना पड़ेगा। तो अगर इल्यू बोल रहे हो आप किसी को और डेट पर ले जा रहे हो किसी लड़की को, तो इससे पहले आपको इलुसिडेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, इलुसिडेट करना पड़ेगा। इलुसिडेट नहीं करोगे तो वो मना कर देगी। तो इलुसिडेट यानी कि आपको एक्सप्लेन करना उसको कि आप उसको क्यों ले जाना चाहते हैं डेट पर। ओके, तो आपकी जो भी फीलिंग्स है कोई भी चीज़ को, उसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं इलुसिडेट करना। अगला वर्ड है इलूसिव। इलूसिव का मतलब है कठिन या फिर थ्री, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, इलूसिव, एक्सक्लूसिव, इलूसिव। तो कोई भी चीज़ जो डिफिकल्ट है अचीव करना, रिमेंबर करना, डिस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं इलूसिव, एक्सक्लूसिव, इलूसिव। आप इसके याद करने का तरीका देखिए, एक्सक्लूसिव चीज़ें इलूसिव होती है। आप देखिए कितना आसान हो गया इसको याद करना। एक्सक्लूसिव जो चीज़ें होती है वो हमेशा इलूसिव होती है, क्योंकि अगर वो इलूसिव नहीं होगी तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं या फिर कोई जो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्सक्लूसिव लोग होते हैं, उनको डिस्क्राइब करना बहुत ही इलूसिव होता है, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है।
तो इल्यूस एक्सक्लूसिव चीज हमेशा क्या होती है, इल्यूसिव होती है, यानी कि कठिन होती है। अगला है एलिसियम। एलिसियम यानी कि स्वर्ग, प्लेस और कंडीशन ऑफ आइडियल हैप्पीनेस, द अबोड ऑफ द हेवन। एग्जाम्पल शी वॉज इन एलिसियम, शी वॉज इन एलिसियम। अब याद करने का तरीका देखिए, लालू का म्यूजियम कैसा है, एलिसियम है। लालू का म्यूजियम एलिसियम, देखिए लालू का म्यूजियम जो है कैसा है, वो एलिसियम है। एलिसियम यानी कि स्वर्ग जैसा है, जहाँ पे बहुत ही आइडियल हैप्पीनेस मिलती हो। तो म्यूजियम एलिसियम एक जैसे वर्ड्स हैं, तो म्यूजियम और एलिसियम। एलिसियम यानी कि स्वर्ग। इमैशिएटेड, इमैशिएटेड यानी कि दुबला करना, वेरी थिन एंड वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इलनेस और एक्सट्रीम हंगर। फॉर एग्जाम्पल हॉरिफिक टेलीविजन पिक्चर्स ऑफ इमैशिएटेड प्रिजनर्स। अब याद करने का तरीका देखिए, मौसी एट नहीं करती तो क्या करती है, इमैशिएट हो गई। मौसी एट नहीं करती तो इमैशिएट हो गई। मौसी एट, देखिए एट और इमैशिएट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो मौसी एट नहीं करती तो क्या होता है, इमैशिएट हो गई। एट इमैशिएट, मौसी एट नहीं करती, इमैशिएट हो गई। इमैशिएट यानी कि दुबला पतला, दोनों वर्ड्स रिलेटेड हैं। मौसी एट नहीं करती तो कैसी हो जाएगी, इमैशिएट हो जाएगी, यानी कि बहुत ही दुबली पतली हो जाएगी। फोटो में आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है इमैन्सिपेट करना। इमैन्सिपेट यानी स्वतंत्र करना या फिर छुड़ाना। टू फ्री समबडी स्पेशली फ्रॉम लीगल पॉलिटिकल और सोशल रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत वॉर प्रिजर्व द यूनियन एंड इमैन्सिपेटेड द स्लेव्स। और फॉर एब्सकार याद करने का तरीका देखिए, मानसी को अपने पति से इमैन्सिपेट करो। इमैन्सिपेट देखो, मानसी इमैन्सिपेट, मानसी को अपने पति से इमैन्सिपेट करो, दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो मानसी को क्या करो, अपने पति से इमैन्सिपेट करो। इमैन्सिपेट यानी कि स्वतंत्र करो, छुड़ाओ। तो फ्री समबडी स्पेशली फ्रॉम लीगल पॉलिटिकल और सोशल रिस्ट्रिक्शन। और आपको इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये इमेंशिएटेड था जिसका मतलब है बहुत ही दुबला होना, और ये इमेंसिपेट है जिसका मतलब है छुड़ाना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है इमैस्कुलेट करना। तो ये इसका मतलब भी वही है जो कि इमेंशिएट का था, तो किसी को वीक करना, किसी की पावर को रिड्यूस करना, कॉन्फिडेंस को। तो फॉर एग्जांपल द मिलिट्री हैज रिमाइंड लार्जली इमैस्कुलेटेड टू वीकन और टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग टू मेक ए मैन फील लेस मेल बाय टेकिंग अवे हिज पावर एंड कॉन्फिडेंस। अब याद करने का तरीका देखिए, मास्क पहन के एमा को कैसा गया, मैस्कुलेट किया। मास्क पहन के एमा को क्या किया, मैस्कुलेट किया, यानी कि उसको पावर को, कॉन्फिडेंस को क्या किया, रिड्यूस किया। ओके, उसको वीक किया। तो मास्क पहन के एमा को इमैस्कुलेट किया। इमैस्कुलेट यानी कि किसी को वीक करना। तो इमैस्कुलेट और इमैशिएटेड, ये दोनों ही वीक करना है किसी को। लेकिन इमेंसिपेट अगर आता है तो इसका मतलब है किसी को छुड़ाना। इमुलेट, इमुलेट मतलब बराबरी करना। टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज समबडी एल्स बिकॉज यू एडमायर देम टू कॉपी। ओके, तो किसी को किसी के बराबर किसी लेवल पे पहुंचना या किसी को एडमायर करना और उसके लेवल पे पहुंचने को बोलते हैं इमुलेट करना। फॉर एग्जांपल सन वो आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इमुलेट देयर फादर्स। तो इमुलेट यानी कि बराबरी करना। अमूल के बराबर दूसरी कंपनी इमुलेट करती है। अमूल इमुलेट, देखिए एक जैसे वर्ड्स है, तो अमूल के बराबर दूसरी कंपनी क्या करती है, इमुलेट करती है, यानी कि बराबर आने की कोशिश करती है। अमूल इमुलेट एक जैसे वर्ड्स है, इमुलेट का मतलब हुआ बराबरी करना। अगला वर्ड है एनामोर्ड। एनामोर्ड यानी कि प्रेम करना, लाइकिंग समबडी समथिंग अलॉट। आई एम नॉट एक्सट्रीमली एनामर्ड विद द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग अ होल डे विद देम। अब याद करने का तरीका देखिए, इना को मेरे नंबर से इनामर्ड है। इना एक लड़की है, उसको मेरे नंबर से कैसा है, इनामर्ड है, यानी कि बहुत प्यार है। तो इना को मेरे नंबर से इनामर्ड है, लेकिन नंबर इसमें आ रहा है इनामर्ड, तो नंबर भी आ रहा है और इना भी आ रहा है। ये इतना इना और ये नंबर्ड का आखिरी का, तो इन्हों को मेरे नंबर से इनामर्ड है। इनामर्ड यानी कि बहुत ही प्रेम। एनसाइफर, टू पुट इनटू साइफर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एनसाइफर मिलिट्री एक्टिविटीज। अगर आप कहेंगे तरीका देखिए, सी 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 फिर करके एनसाइफर करते हैं। तो एक एनसाइफर होता है, एक डिसाइफर होता है। तो किसी चीज़ को कोड में बनाना, ये तो हुआ एनसाइफर करना, सो साइफर भी बोलते हैं एनसाइफर। और किस चीज़ को ब्रेक करना कोड को, इसको बोलते हैं डिसाइफर करना। तो अभी पढ़ रहे हैं अपन एनसाइफर, पढ़ रहे हैं अभी अपन एनसाइफर यानी कि किस चीज़ को साइफर में पुट करना। इनकॉमियम, इनकॉमियम यानी कि प्रशंसा और बढ़ाई। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समबडी और समथिंग हाईली। एग्जांपल इट वाज एन इनकॉमियम द पीएम हैड टू डिलीवर। जिनकी इनकम कम है उनकी इनकॉमियम नहीं मिलता। तो जिनकी इनकम कम है उनको क्या नहीं मिलता, इनकॉमियम नहीं मिलता, क्योंकि उनको प्रशंसा नहीं मिलती। जिनकी इनकम कम है वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, और जिनकी ज़्यादा है वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो बड़े काम के लिए जो हाई लेवल वालों को ही प्रशंसा मिलती है, तो जिनकी इनकम कम है उनको एनकॉनियम नहीं मिलता। एनकॉनियम यानी कि प्रशंसा। अगला है एनकॉम्पास। एनकॉम्पास यानी चक्कर लगाना, घेरना। टू पुट टू इंक्लूड अ लार्ज नंबर और रेंज ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द फॉग सून एनकॉम्पास द होल वैली। अब याद करने का तरीका देखिए, आप कैंपस में जाएगी, जूनियर आपको एनकॉम्पास करेंगे।
आप क्या अगर कैंपस में जाएंगे तो एनकॉम्पस करेंगे, यानी कि चक्कर लगाएंगे, घेरना घेर लेंगे आपको। ओके, तो अगर कैसा होता है कि नए नए जब बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, हमेशा सीनियर उनको एनकॉम्पस कर लेते हैं, और वैसा ही उल्टा होता है। ओके, जूनियर भी कभी कभी कभार कैंटीन में एनकॉम्पस कर लेते हैं सीनियर को। तो आप कैंपस में जाएंगे तो जूनियर आपको एनकॉम्पस करेंगे, एनकॉम्पस यानी कि घेरना, एनक्रॉन्च, एनक्रॉन्च यानी कि दूसरों का अधिकार खा बैठना। टू स्लोली बिगिन टू कवर मोर एंड मोर ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल द न्यू इंस्टीट्यूशन डू नॉट एनक्रोच अ पॉलिटिकल पावर। अभी आप कहना तरीका देखिए, कॉकरोच आपको किचन को एनक्रॉन्च करता है, कॉकरोच एनक्रॉन्च एक जैसे वर्ड्स है। तो कॉकरोच हमेशा क्या करता है कि चिकन में एनक्रॉन्च करता है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा एरिया को खाने की कोशिश करता है, जो भी कुछ चीज़ पड़ा होता है। तो कॉकरोच और एनक्रॉन्च एक जैसे वर्ड्स है, इससे आप उसको जल्दी याद रख सकते हैं। तो एनक्रॉन्च यानी कि दूसरों का अधिकार खा बैठना। एंक्यूबर, एंक्यूबर बोझ लादना, दबाना। टू वेट समवन और समथिंग डाउन और टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल लीड वेट एंड एयर फ्लैंडर एनकम्बर द डाइवर्स एज दे वॉक टू द शोर। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, इनको कमरे में बंद करके एंक्यूबर किया, इनको क्या किया कमरे में बंद करके क्या किया एंक्यूबर किया, एंक्यूबर यानी कि दबाला। फोटो में आप देख सकते हैं इनको कमरे में बंद किया और उनके ऊपर एंक्यूबर कर दिया, यानी कि बहुत सारा सामान दे दिया इनको, लाद दिया, बोझ दे दिया। तो किसी चीज़ को बोझ तले लादना दबाना उसको बोलते हैं एंक्यूबर करना। तो इनको कमरे में बंद करके एंक्यूबर किया। एंडियर, एंडियर प्यार करना, लाडला बनाना। देखिए डियर वर्ड में ही आ रहा है, डियर वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि प्यार करना है। टू मेक समबडी सम योर योर सेल्फ पॉपुलर, ही हैज एंडियर्ड एंडियर्ड हिमसेल्फ टू द अमेरिकन पब्लिक। आपके नया तरीका देखिए, किसी ने आपसे डियर कह के एंडियर किया, तो कोई आपको डियर कह रहा है तो यानी कि आपको एंडियर कर रहा है वो। ओके, बहुत ही आसान वर्ड है। एंडेमिक, एंडेमिक यानी कि महामारी या फिर बहुत बड़ी बीमारी, स्पेशली या फिर डिजीज और कंडीशन, रेगुलरली फाउंड एंड वेरी कॉमन अमॉन्ग ए पर्टिकुलर ग्रुप और इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि अभी दिल्ली और राजस्थान के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो अभी चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा क्या है, बीमारी फैल रही है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक, बहुत ज़्यादा फैलने को बोलते हैं एंडेमिक। स्ट्रीट क्राइम इज वर्चुअली एंडेमिक इन लार्ज सिटीज, अंडे खाने से एंडेमिक होता है। तो अगर कोई चिकन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है और आप अंडे खा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एंडेमिक हो जाएगा। अंडे खाने से एंडेमिक होता है, यानी कि बीमारी होती है। अगला है एंड्यू, एंड्यू इफ यू डिस्क्राइब समथिंग बैड एज एंड्यू, यू मेक दैट इट इज ग्रेटर और मोर एक्सट्रीम दैन यू थिंक इट्स रीजनेबल और अप्रोप्रिएट। इट इज अनरियलिस्टिक टू पुट एंड्यू प्रेशर ऑन आवर सेल्व्स बाय सेइंग वी आर द बेस्ट। तो एंड्यू होता है कि जितना आप समझ रहे हैं उसको बुरा, उससे कहीं ज़्यादा होना आपको बोलते हैं एंड्यू। बिल ड्यू टू एंड्यू निकला, देखिए बिल ड्यू था मेरा और वो कैसे निकला, एंड्यू निकला। बिल मेरा क्या था, ड्यू और एंड्यू देखिए एक जैसे वर्ड्स है। तो मेरा बिल क्या था, ड्यू निकला, ड्यू था मेरा बिल तो वो क्या निकला, एंड्यू निकला। यानी कि मुझे लग रहा था 500 रुपये का और निकला 5000 रुपये का, तो ये क्या है, एंड्यू है ये। सो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके आज के इस वोकैब सीरीज के अंदर हमने फिफ्थ ई अल्फाबेट के फर्स्ट वीडियो में कवर अप करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।